बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मस्जिद में जुमात के दौरान उसका मोबाइल बजने लगा। नमाज खत्म हुई तो इमाम साहब के साथ साथ और नमाजियों ने भी उसे खूब जलील किया। वो शर्म से पानी पानी हुआ, बाहर निकल आया और खुद से हम कलाम हुआ कि मैं आइंदा मस्जिद नहीं आऊंगा। कुछ दिन के बाद उसके दोस्त उसे क्लब ले गए। वहां उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। ये मैनेजर को अपनी तरफ आते देखकर डर गया, लेकिन मैनेजर ने आते ही उससे पूछा, सर आपको लगी तो नहीं? ये हैरान हुआ, उसे देखता रहा और मुश्किल से नहीं का लफ्ज उसके मुंह से निकला। मैनेजर ने वेटर को बोला, सर को दूसरा ग्लास दे दो। फिर वो खुद से हम कलाम हुआ, अब मैं रोज क्लब आया करूंगा, क्लब वाले तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों, क्या हम अपने तलख तुर्श रवैये नहीं बदल सकते? क्या हम दूसरों को अच्छाई की तरफ रागब नहीं कर सकते? क्या हम दूसरों को अच्छाई की तरफ रागब करने वाले लहजे नहीं अपना सकते? क्या हम अपने से कमतर को अच्छे अल्फाज से मुखातिब नहीं कर सकते? क्या हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए नेकी व हसनात की नीयत से इखलाक हसना का मुजाहरा नहीं कर सकते? क्या हम नरमी से नहीं बोल सकते? क्या हम नरमी से नहीं बोल सकते?